अंडे के छिलके में 17,000 छोटे छोटे रोम छिद्र होते हैं जिन्हें नंगी आंखों से देख पाना मुश्किल है। अमेरिकन एग बोर्ड के अनुसार भूरा अंडा अथवा देसी अंडा और सफेद अंडा दोनों के पौष्टिकता में कोई फर्क नहीं होता। अंडा वजन कम करने में मदद करता है। अंडा में कोलेस्ट्रॉल होता है जो दिल के लिए नुकसानदेह है। 40 से ज्यादा रिसर्च में यह बात साबित हो चुकी है कि अंडा एक हेल्दी आहार है। अंडा में कुल 11 तरह के विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। अंडा खाने से दिमाग तेज होता है और आंखों की रोशनी बढ़ती है। अंडा को गर्म तापमान में ज्यादा समय तक रखा जाए तो उसकी पौष्टिकता कम हो जाती है। इस कारण हमेशा ताजे अंडे का सेवन करना चाहिए। एग फार्म से बाहर आने के 3 हफ्ते के अंदर अंडे का इस्तेमाल लाभकारी होता है। अगर अंडा पानी में डूब जाता है तो वह ताजा अंडा होता है। अंडा खाने से शरीर को जरूरी एमिनो एसिड मिलता है जिससे शरीर का स्टेमिना बढ़ता है। प्रतिदिन एक अंडा का सेवन आपके शरीर में वसा की एक दिन की आवश्यक मात्रा की पूर्ति करता है। अंडा खाने से ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस कम होते हैं। अंडा हड्डियों को मजबूत बनाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अंडे के पीले वाले भाग में आयरन अधिक होता है जो खून बढ़ाता है। ठंड के मौसम में अंडा अधिक खाया जाता है क्योंकि इसमें काफी मात्रा में गर्मी होती है। अंडा एक बेहतरीन एनर्जी बूस्टर है। इसका सेवन सुबह का आलस दूर करता है। एक साल में एक मुर्गी लगभग 300 अंडा देने की क्षमता रखती है। कहा जाता है कि अंडों में अन्य सभी खाद्य पदार्थों के मुकाबले ज्यादा पोषक तत्व मौजूद होते हैं। दुनिया में अंडा का सबसे ज्यादा उत्पादन चीन में होता है। भारत 3रे नंबर पर है। अच्छी तरह से उबले हुए अंडे को पकाने में 3 से 4 मिनट का समय लगता है। अंडा मुहासे दूर कर स्किन के लिए फायदेमंद होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। इंसान हजारों सालों से अंडा खा रहा है। विश्व में सबसे ज्यादा मुर्गी का अंडा खाया जाता है और पसंद किया जाता है। लगातार सिर्फ अंडे खाने से शरीर में विटामिन सी की कमी हो सकती है। कई देशों में जंगली पक्षियों के अंडे को सुरक्षित करने के नियम हैं। बिना इजाजत लेना या बेचना मना है। अंडे के सफेद हिस्से में 90% जल, 10% प्रोटीन और 1% से भी कम कार्बोहाइड्रेट्स और वसा बिल्कुल नहीं होता। अंडे के सफेद भाग का इस्तेमाल इन्फ्लुएंजा नामक बीमारी से टीकाकरण में होता है। अंडे का इस्तेमाल केक, अचार, तेल, शराब आदि बनाने में भी होता है। कुछ अंडे में पीला भाग नहीं होता, उसे बोना अंडा कहते हैं। आज भी विवाद का यह विषय है कि पहले अंडा आया या मुर्गी। तो ये थी अंडे से संबंधित कुछ जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।